हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे जो भी बायोलॉजी के टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, ट्रिपल एसबी, एलटी, क्रिएट, सबके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ। और अभी राइट नाउ प्रेजेंट टाइम में जो फुल फोकस है वो यूपी के टीजीटी पीजीटी के लिए है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के डेट्स आउट हो चुकी हैं बहुत पहले। आपको पता है इवन एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो गए हैं टीजीटी के, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। अगस्त में 7-8 को जो है वो एग्ज़ाम है यूपी टीजीटी बायोलॉजी का। तो फ्रेंड्स, और बाकी जो है ये चैनल, इस पर साइंस के एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, और इसके लिए भी आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि DSSSB का, नेचुरल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, वो सब अपलोड हो चुका है। जितने भी लोग नए हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं, बाकी जितने भी लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो तो जानते हैं। तो साइंस और बायो दोनों की तैयारी इस पर चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आज जो मुझे पढ़ाना है वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जो चैप्टर है, एंडोक्राइन सिस्टम का, जिसमें हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोगों को आज जो देखना है वो हार्मोन्स एंड देयर मैकेनिज्म है, उसके क्वेश्चंस हैं। फिर ऐसे ही आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे। जितने भी लोग चैनल पर हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, बहुत बहुत थैंक यू है उनको। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप सर्च जो होगी वो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए आपके पास चैनल आपका रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग एक बार प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा और जो आप लोग ना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है यहाँ पे, द नेम सेकंड मैसेंजर इज़ गिवन टू, जो सेकंड मैसेंजर होता है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइक्लिक AMP होता है वो सेकंड मैसेंजर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ चुका है। बाकी हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड एज सेकंड मैसेंजर इन कैल्शियम 2+ मीडिएटेड हार्मोन। इसमें से ऐसा कौन सा सेकंड मैसेंजर है जो कि कैल्शियम 2+ आयन मीडिएटेड हार्मोन से इन्वॉल्व्ड नहीं है, विच इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड एज सेकंड मैसेंजर इन कैल्शियम 2+ मीडिएटेड हार्मोन। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉस्फोलाइपेज है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि मैं क्वेश्चन कर रही हूँ और उसके बाद मैं सीधे आंसर ही दे रही हूँ, क्योंकि जो है मैं बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और अब लास्ट टाइम चल रहा है, सिर्फ रिवीजन है, और आप लोग बस ज़्यादा ज़्यादा MCQs को ले लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड वाला, हु इज़ फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन है, किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को मालूम है कि जो एडिसन है उनको फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है, टी एडिसन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस और एक्शन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड इज मीडिएटेड थ्रू, जो इंडोक्राइन ग्लैंड का एक्शन होता है वो किसके द्वारा मीडिएट किया जाता है, या वो जो क्या प्रोड्यूस करती हैं। तो ये प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन्स, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड, तो इसमें से कौन सा है ऐसा जो कि ग्लैंड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो किडनी है, किडनी ग्लैंड नहीं है, बाकी पेनक्रियास, पिट्यूटरी और एड्रिनल ये ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में कहा गया है, डू नॉट पजेस डक्ट, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं और ये डक्ट्स पजेस नहीं करती हैं। और इसमें 7th क्वेश्चन है हमारे पास, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन आर स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड आर मोस्ट लाइकली बाइंड टू, तो देखिए फ्रेंड, जो हार्मोन्स होते हैं उनकी कई कैटेगरी होते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं और स्टेरॉयड हार्मोन्स भी होते हैं। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स के बारे में बात की जा रही है कि जो एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन है ये स्टेरॉयड हार्मोन है और ये किसको बाइंड करते हैं, तो ये यहाँ पे हमारे पास ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर को बाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, स्टेरॉयड हार्मोन रेगुलेट जीन एक्टिविटी थ्रू, स्टेरॉयड हार्मोन जीन एक्टिविटी को कैसे रेगुलेट करते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन और बाइंडिंग विद स्पेसिफिक DNA साइट्स, ये दोनों ही इस ऑप्शन के लिए करेक्ट होगा। यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हैं, आपको जो भी मिलेगा आप उसमें से वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 9 है, इन दी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन वन ऑफ दी सेकंड मैसेंजर इज, तो यहाँ पे हमारे पास जो 9th है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए साइक्लिक AMP। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास अभी 9 क्वेश्चन हुआ है, और
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब यहाँ पे जो सेकंड हमारे पास पार्ट है वो क्या है, डिफरेंट ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन। तो हम लोग ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स के बारे पे क्वेश्चन करेंगे। तो वन है हमारे पास अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इंसिपिडस। तो आप जानते हैं जो डायबिटीज होती है दो टाइप की होती है, डायबिटीज मेलिटस होती है एंड डायबिटीज इंसिपिडस होती है। तो यहाँ पर डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में बात की जा रही है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इंसिपिडस विल पास व्हाट अमाउंट ऑफ यूरिन पर डे, वो कितने अमाउंट ऑफ यूरिन पर डे पास करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास वन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 3 लीटर्स। ओके, 3 लीटर्स बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड है हमारे पास विच हार्मोन स्टॉप्स द रिलीज ऑफ FSH फ्रॉम पिट्यूटरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के रिलीज को स्टॉप करता है। यहाँ पे हमारे पास स्टेडियोल बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन सिक्रीटेड बाई अल्फा एंड बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज। तो अल्फा एंड बीटा सेल जो हैं पैनक्रियाज की, वो जो सिक्रीट करती हैं, आपको मालूम है इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन को रिलीज करती हैं। तो यहाँ पे इनका नेचर पूछा है, तो देखिए प्रोटीन होती है, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, तो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है। तो थर्ड के लिए हमारे पास डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलमस एंड स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो है फ्रेंड। पहले तो मैं आपको फिर से बता दूंगी, ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे हैं, और ये सिर्फ UPT GT-PhD के लिए नहीं है, आपके जितने भी KVS हैं, NVS, जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स की, उसके लिए भी बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ है उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है कि इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हाइपोथैलमस से होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। तो देखिए ADH जो है एंटी डायुरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन जो है, ये यहाँ पे इसके लिए करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, वैसोप्रेसिन इज कंसर्न्ड विद, वैसोप्रेसिन ओके एंटी डायुरेटिक हार्मोन ADH। तो यहाँ पे हमारे पास जो फिफ्थ है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है यूरिन फॉर्मेशन। ओके, वैसोप्रेसिन वो कंसर्न्ड होता है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। नाउ एंटी डायुरेटिक हार्मोन, एंड यहाँ पे हमारे पास जो सिक्स्थ है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब को और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है एंड पार्स इंटरमीडिया होता है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एट्थ क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं कंप्लीट फेल्योर ऑफ एडनो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी कॉजेज। तो ये जो एडनोपोफाइसिस है एंटीरियर पिट्यूटरी, इसका जो फेल्योर हो जाएगा तो कौन सा डिजीज़ हो जाएगा, कंप्लीट फेल्योर की बात की जा रही है, ये साइमन डिसीज़ कॉज करता है। नाइन्थ, ग्रोथ हार्मोन एक्टिविटी, तो ग्रोथ हार्मोन एक्टिविटी जो है ये थायरॉक्सिन के साथ इंक्रीज होती है, इंक्रीजेज विद थायरॉक्सिन। नाउ नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन, FSH इज जो FSH है वो क्या है, तो FSH जो है ये है ग्लाइकोप्रोटीन, नेचर इसका जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है, प्रोटीन हार्मोन है। नेक्स्ट 11, विच ऑफ दी फॉलोइंग हार्मोन इज स्टेरॉयड, इनमें से कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड है, इस्ट्रोजन स्टेरॉयड है। 12th क्वेश्चन हमारे पास है डिपिक्ट द करेक्ट साइट ऑफ हार्मोन, हार्मोन की साइट को बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे जो 12th के लिए है हमारे पास जो अल्फा है वो ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन कर रहा है, बीटा इंसुलिन का एंड डेल्टा सोमैटोस्टैटिन का, बिल्कुल करेक्ट है। ये पैनक्रियाज के हार्मोन के बारे में बात की जा रही है जो पैनक्रियाज के सेल्स हैं। नाउ 13 इज ग्लाइकोसूरिया इज कंडीशन वेयर अ मैन, ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया में हमारे पास शुगर सिक्रीट होने लगती है, यूरिन में शुगर पास होने लगती है। नेक्स्ट रास, RAAS, ये क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम होता है उसके बारे में बात की जा रही है। रास सिक्रीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, नाउ 14 का हमारे पास ए बिल्कुल करेक्ट होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये जो रास है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सिक्रीशन करता है। 15th क्वेश्चन है एट सेलुलर लेवल GH ग्रोथ हार्मोन एफेक्ट्स ग्रोथ बाई कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन ऑफ, सेलुलर लेवल पे जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो प्रोडक्शन, किसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ग्रोथ बाय कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन ऑफ। तो अब यहाँ पे 15th है हमारे पास है मैसेंजर RNA। ओके, नाउ 16th है सोमैटोस्टेटिन इज सिक्रीटेड बाय, तो सोमैटोस्टेटिन किससे सिक्रीट होती है, तो 16 का करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस।
नेक्स्ट हमारे पास है 17, विच डिजीज इज़ कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन दी अडल्ट्स। अडल्ट में थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी से कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मेक्सोडिमा। 18th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नेवर रीचेज टू साइटोप्लाज्म। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कभी साइटोप्लाज्म में नहीं जाता है? ये FSH। ओके, FSH नहीं जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 19th क्वेश्चन है, 19th को देख लेते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट बताना है। तो 19th के लिए हमारे पास जो B है, पैनक्रियाज डायबिटीज इंसिपिडस, ये गलत है। बाकी पैराथायरॉयड के लिए टिटनी बिल्कुल करेक्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है कुशिंग सिंड्रोम, ये बिल्कुल करेक्ट है, एंड थायरॉयड जो है गोइटर से रिलेटेड है। ओके, घेंघा रोग। नेक्स्ट हमारे पास है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट। इसमें से कौन सा जो है आयोडाइज्ड सॉल्ट के कंजप्शन से रिलेटेड है? तो यहाँ पे थायराइड बिल्कुल करेक्ट है। ओके, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट हमारे पास है 21, रिलैक्सिन इज रिलीज फ्रॉम, रिलैक्सिन किससे रिलीज होता है? रिलैक्सिन ओवरी से रिलीज होता है। 22, वाई थायरॉक्सिन इज़ अ हार्मोन नॉट एन एंजाइम। थायरॉक्सिन हार्मोन है, एंजाइम नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है वो ब्लड में डायरेक्टली जाता है, डायरेक्टली पोर्ट होता है, डक्टलेस है। अब यहाँ पे हमारे पास 23rd आ गया है, दी अदर नेम फॉर ऑटोइम्यून थायरॉयडाइटिस इज़। ऑटोइम्यून थायरॉयडाइटिस का दूसरा नेम क्या है? या एन ऑटोइम्यून डिजीज वेयर द बॉडीज ओन एंटीबॉडी अटैक द सेल्स ऑफ थायरॉयड इज। ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ जिसमें कि जो बॉडी की खुद की एंटीबॉडी होती हैं वो थायराइड की सेल्स को अटैक करती हैं। तो यहाँ पे 23 का करेक्ट ऑप्शन है हाशिमोटो डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटैनी इरेगुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन जो टिटनेस हो जाता है एंड ऑस्टियोपोरोसिस आर कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी के कारण होता है? एस्ट्रोजन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 24 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है, तो सॉरी यहाँ पे हमारे पास पैराथॉर्मोन होगा फ्रेंड। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 25th है, पैराथॉर्मोन इज सिक्रीटेड ड्यूरिंग। तो पैराथॉर्मोन जो है वो कब सिक्रीट होता है? ये सिक्रीट होता है डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, जब कैल्शियम लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, उसकी कमी होती है, तो पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन होता है। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 26th है, दी मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स विच कॉजेज सोडियम आयन रिटेंशन एंड पोटेशियम आयन एक्सक्रीशन इज। तो जो ऐसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, और ये क्या कॉज करता है? ये सोडियम आयन का रिटेंशन करता है और पोटेशियम आयन को रिलीज करता है या इसका एक्सक्रीशन करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 26 है वो इसका क्या होगा? एल्डोस्टेरोन। ओके, एल्डोस्टेरोन हार्मोन यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 27 है, द हार्मोन दैट इनिशिएट इजेक्शन ऑफ मिल्क। ऐसा हार्मोन जो मिल्क इजेक्शन को इनिशिएट करता है, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, एंड ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल आर रिस्पेक्टिवली नोन एज। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 27 के लिए? ये हो जाएगा OTPRL, एंड यहाँ पे हमारे पास है FSH। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन मिल्क के इजेक्शन को इनिशिएट करता है और प्रोलैक्टिन मिल्क के प्रोडक्शन के लिए है, एंड ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल ये FSH से मेंटेन की जाती है। 28, विच इज़ नॉट अ गोनैडल हार्मोन। इसमें से कौन सा गोनैड्स का हार्मोन नहीं है? तो यहाँ पे हमारे पास जो एड्रेनलिन है ये गोनैड्स का नहीं है, बाकी प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन तीनों ही हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 29 है, तो 29 में देख लेते हैं, ब्लड प्रेशर इज़ कंट्रोल्ड बाई। ब्लड प्रेशर किससे कंट्रोल होता है? तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है यहाँ पे एड्रिनल से। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया ए ऑप्शन। 30 क्वेश्चन, एड्रिनल ग्लैंड्स आर फाउंड लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी इन क्लोज एसोसिएशन विद। जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में किसके साथ एसोसिएट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होती हैं? तो 30 के लिए हमारे पास किडनीज हो जाएंगी। ओके, किडनी के लिए हम लोग टर्म रीनल यूज़ करते हैं और ये एड्रिनल ग्लैंड है, आपने देखा होगा इसकी लोकेशन। तो 31 क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड होगा? तो यहाँ पे पैराथायरॉयड एंड टिटैनी बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है।
नेक्स्ट हमारे पास है 32 क्वेश्चन, द जेनेटिक डिफिशियंसी ऑफ ADH रिसेप्टर लीड्स टू, जो जेनेटिक डिफिशियंसी होती है ADH रिसेप्टर की वो क्या कॉज करती है। नाउ 32 के लिए हमारे पास है डायबिटीज इंसिपिडस, बिल्कुल करेक्ट सी ऑप्शन। 33 में है विच वन अफेक्ट्स लिवर मसल एंड एडिपोज टिश्यू, इसमें से कौन सा है जो लिवर मसल और एडिपोज टिश्यू को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो 33 के लिए हमारे पास है इंसुलिन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 34, नॉर एपिनेफ्रीन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, जो एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन दो हार्मोन आपने नाम जानते हैं, तो यहाँ पे जो नॉर एपिनेफ्रीन है इसके बारे में बात की जा रही है। 34 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास मेड्यूला ऑफ एड्रिनल, एड्रिनल का जो मेड्यूला होता है ग्लैंड का मेड्यूला जो पार्ट होता है उससे नॉर एपिनेफ्रीन सिक्रीट होता है। हासल्स बॉडी कार्पसल्स, ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास 35 जो है उसके लिए क्या होगा, थाइमस। नाउ हासल्स बॉडी या कार्पसल्स किससे रिलेटेड है, थाइमस से रिलेटेड है। 36, ग्राफियन फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड बाई एक्टिव डिवीजन ऑफ, जो ग्राफियन फॉलिकल होती हैं वो किसके एक्टिव डिवीजन से बनती हैं, तो ये बनती हैं आपकी जनरेटिव एपिथीलियम के डिवीजन से। नेक्स्ट 37 है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटरस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इज, तो ऐसा हार्मोन जो कि एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यहाँ पे इन यूटरस में एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे 37 के लिए जो करेक्ट आंसर हो रहा है ये क्या हो रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा जाता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन पे क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें से कौन सी टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड है, तो 38 हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा। और यहाँ पे हमारे पास 39 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड, तो आप सभी जानते हैं इजी है ये, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है 40, कोलेस्ट्रॉल इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ, इसमें से कोलेस्ट्रॉल किसकी सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, तो ये स्ट्रैडियोल के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है 41 में है इंसुलिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम डॉग बाई, इंसुलिन को डॉग से आइसोलेट किया गया था, किसने आइसोलेट किया था, तो यहाँ पे बैंडिंग एंड बेस्ट हैं। नाउ 42 क्वेश्चन क्या हो गया, 42 क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड थ्रू यूरिन ऑफ मदर, प्रेगनेंसी में जो मदर की यूरिन से क्या सिक्रेट होता है, और द परसिस्टेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ड्यू टू अ हार्मोन नोन एज, तो 42 का हमारे पास क्या होगा, 42 के लिए हमारे पास डी करेक्ट है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ओके, 42 के लिए डी बिल्कुल करेक्ट है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है 43, हार्मोन प्रोलैक्टिन वाज डिस्कवर्ड बाय, प्रोलैक्टिन किसने डिस्कवर किया था, यहाँ पे हिस्सो एंड लेनर्ड है। 44, व्हेन मैमरी ग्लैंड्स ऑफ मेल डेवलप सिमिलर टू दैट ऑफ फीमेल देन दिस कंडीशन इज नोन एज, तो जब मेल में जो है वो मैमरी ग्लैंड डेवलप हो जाती हैं फीमेल की तरह तो ये क्या कंडीशन होती है, तो ये होती है गाइनेकोमेस्टिया। नाउ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी ये होता है। 45 है द नेम ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी विच फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इज, ऐसा हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट करता है और ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, कौन सा है, ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, तो 46 में हमारे पास क्या होगा, 46 है मेमेलियन थाइमस इज मेनली कंसर्नड विद, मेमेलियन थाइमस किससे कंसर्नड है, तो मेमेलियन थाइमस है वो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन से कंसर्नड है। नेक्स्ट 47, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय, ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा, इसमें जो है हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी एबव, कैसे, क्योंकि कॉर्टिसोल को भी कंट्रोल करता है, कॉर्टिस्टेरोन को भी एंड थायरॉक्सिन को भी। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, विच हार्मोन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक्स पेप्टाइड्स एमाइंस एंड सल्फर, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि जिसमें पेप्टाइड एमाइन और सल्फर नहीं होते हैं, यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है हमारे पास जो कि स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं टेस्टिस एंड ओवरी से सिक्रेट होते हैं, कौन से हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट
49 विद रिफरेंस टू पिट्यूटरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर पिट्यूटरी के रिफरेंस से इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो 49 के लिए करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे न्यूरोहाइपोफाइसिस कलेक्ट्स एंड स्टोर वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो क्या करता है, वो कलेक्ट करता है और स्टोर करता है वैसोप्रेसिन को एंड ऑक्सीटोसिन को। ओके नाउ 50 इज डायबिटीज मिलिटस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ इंसुलिन विच इज सिक्रेटेड बाय। तो आप लोग जानते हैं जो इंसुलिन है वो पेनक्रियास की किस सेल से सिक्रीट होती है, बीटा सेल से सिक्रीट होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। 51 एन ओवरडोज ऑफ इंट्रावेनस इंसुलिन मे लीड टू द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यू टू, जो ओवरडोज होती है इंट्रावेनस इंसुलिन की वो किसी इंडिविजुअल की डेथ भी कॉज कर सकती है। क्यों? बिकॉज एन एक्सेसिव डिक्रीज ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज का में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है इस वजह से, एक्सेसिव डिक्रीज। नाउ आइलेट ऑफ लैंगरहंस आर फाउंड इन, तो ये आपको पता है पैंक्रियाज में पाई जाती हैं। 52 का ए बिल्कुल करेक्ट है। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैज़ नो इफेक्ट ऑन हार्ट बीट, इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसका हार्ट बीट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो 53 का बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑक्सीटोसिन। ओके ऑक्सीटोसिन बिल्कुल करेक्ट हो गया यहाँ पे। नाउ 54 में है डैश है, फिर आपको बताना है इसमें से ऑप्शन में से क्या करेक्ट है। इस ग्लोब्यूलर प्रोटीन ऑफ 6 KDA डाल्टन कंसिस्टिंग ऑफ 51 अमीनो एसिड्स अरेंज्ड इन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, और यहाँ पे हमारे पास इंसुलिन है। ओके यानी कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। आपको पता है इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं और एक साथ डाइसल्फाइड ब्रिज से बंधी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 55 मेलानिन इज सिक्रीटेड बाय, मेलानिन किससे सिक्रीट होता है, तो जो मेलानिन है वो क्रोमैटोफोर से सिक्रीट होता है, स्किन के क्रोमैटोफोर से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 56 हमारे पास है द कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है किसकी वजह से होता है, वो होता है यहाँ पे बी हाइपोथैलेमस की वजह से। ओके तो बी हाइपोथैलेमस करेक्ट है। 57 सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन आर हार्मोन सिक्रीटेड बाय, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो कैसे सिक्रीट होते हैं, वो सिक्रीट होते हैं यहाँ पे पीनियल बॉडी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 58 है। 58 में द स्टेरॉयड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी, जो स्टेरॉयड जो कि हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे हमारे पास एल्डोस्टेरोन, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन डी। 59 क्वेश्चन थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, थाइमोसिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे 59 का हमारे पास सी होगा कि ये टी लिम्फोसाइट्स का इंक्रीज प्रोडक्शन करता है, बढ़ा के करता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 60 है, कॉर्टिसोल इज सिक्रीटेड फ्रॉम, कॉर्टिसोल किसके द्वारा सिक्रीट होता है, तो कॉर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट लिंक्ड टू डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, इसमें से कौन सा थायराइड हार्मोन से रिलेटेड नहीं है, लिंक्ड नहीं है, तो थायराइड हार्मोन की कमी से होने वाला रोग नहीं है, एक्सोप्थैलेमोसिस। ओके बाकी क्रिएटिनिज्म मिक्सोडेमा एंड गोइटर है। 62 ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज, ग्रोथ हार्मोन को और क्या कहते हैं, तो 62 के लिए हमारे पास जो करेक्ट है ये क्या होगा, STH। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड मच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि ग्रोथ जो ग्राफियन फॉलिकल की ग्रोथ और मैच्योरेशन के लिए है, आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, तो 63 हमारे पास है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन LH, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 64 में क्या है, 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ मिक्स्ड एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें से कौन सी जो मिक्स्ड ग्लैंड है, तो 64 के लिए हमारे पास पैनक्रियाज है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 65 विच हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन प्रोटीन सिंथेसिस एंड बोन ग्रोथ, इसमें से कौन सा सेल डिवीजन प्रोटीन सिंथेसिस और बोन ग्रोथ है को प्रमोट करता है, तो 65 के लिए हमारे पास है यहाँ पे GH ग्रोथ हार्मोन STH। नाउ 66 विच एंडोक्राइन ग्लैंड बिकम्स इनएक्टिव इन ओल्ड एज, इसमें से कौन सी ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो इनएक्टिव हो जाती है ओल्ड एज तक, तो यहाँ पे थाइमस बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। 67 थायरोक्सिन इज, थायरोक्सिन क्या है, तो 67 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हार्मोन है, थायरोक्सिन एक हार्मोन है। नाउ 68 व्हेन एन एनिमल इज एंग्री एंड वांट्स टू फाइट द हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड इज,
तो स्ट्रेस हार्मोन या एंगर पर जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है एड्रेनलिन, ओके, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं इसको, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 69, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज सिक्रेटेड बाई, ऐसा हार्मोन जो कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म के लिए सिक्रीशन के लिए आवश्यक है, ये कहाँ से ये जो है कौन सा हार्मोन है, तो ये हमारे पास जो 69 है उसके लिए पैराथायरॉयड एंड थायरॉयड बोथ, ठीक है, पैराथायरॉयड और थायरॉयड दो है, दोनों ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन है वो क्या है, 70, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी इन अडल्ट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड, ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए, अधिक सिक्रीशन हो जाए अडल्ट में, तो वो कौन सी डिजीज कॉज करता है, तो वो कॉज करता है एक्रोमिगेली, 70 का बी करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिनेफ्रिन क्या है, एपिनेफ्रिन जो है वो यहाँ पे हार्मोन है एड्रेनल ग्लैंड का, ओके, तो एपिनेफ्रिन है वो है एड्रेनल ग्लैंड का हार्मोन है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 72, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन वुमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी में ही से प्रोड्यूस होता है, तो 62 में हमारे पास HCG है, बिल्कुल ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में देख लेते हैं हम लोग, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉजेज कुशिंग सिंड्रोम, किस हार्मोन की एक्सेस से अधिकता से हाइपर सिक्रीशन से कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, कॉर्टिसोल, ओके, बिल्कुल कॉर्टिसोल और कुशिंग को आप रिलेट कर सकते हैं। विच 74 क्वेश्चन है, विच इज अ 32 अमीनो एसिड वाटर सॉल्युबल पेप्टाइड हार्मोन, तो अब यहाँ पे हमारे पास 74 के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, कैल्सीटोनिन, ओके, तो कैल्सीटोनिन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि ग्रोथ और मेटामॉर्फोसिस को जो है वो रेगुलेट करता है, क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास 75 के लिए जुवेनाइल हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में हमारे पास मैच करना है हार्मोन्स को, मैच दी हार्मोन्स विद इट्स सोर्स सिक्रीशन, ए सोमैटोस्टैटिन, बी मेलाटोनिन, सी एल्डोस्ट्रॉन एंड डी प्रोजेस्टेरोन एंड ई HCG, फिर आपका अदर साइड में 1 नंबर पे है पीनियल ग्लैंड, 2 कॉर्पस ल्यूटियम, 3 प्लेसेंटा, 4 एड्रिनल कॉर्टेक्स, 5 आइलेट ऑफ लैंगरहैंस एंड 6 है एडिनो हाइपोफाइसिस, तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग सारे ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, तो बिल्कुल अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो सोमैटोस्टैटिन है, तो सोमैटोस्टैटिन के लिए आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हो जाएगा, एंड यहाँ पे मेलाटोनिन आपका पीनियल ग्लैंड 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंड एल्डोस्टेरोन एड्रेनल कॉर्टेक्स, एंड जो आपका प्रोजेस्टेरोन है वो कॉर्पस ल्यूटियम एंड HCG, ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ई है उसके लिए हो जाएगा प्लेसेंटा, तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन मैच करने के लिए है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और करेक्ट आंसर बताना है। लिस्ट 1 में है ए पे हाइपोथैलेमस, बी एक्रोसोम, सी ग्राफियन फॉलिकल, डी लेडिक सेल्स एंड ई पार्चुएशन, एंड लिस्ट 2 है 1 स्पर्म लाइसिन, 2 एस्ट्रोजन, 3 रिलैक्सिन, 4 GnRH एंड 5th है टेस्टोस्टेरोन, तो अब यहाँ पे मैच करना है करेक्ट, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड, ओके, तो ये जो हाइपोथैलेमस है इसके लिए आपका GnRH हो जाएगा, एंड एक्रोसोम तो आपका स्पर्म लाइसिन से रिलेटेड है, ठीक है, स्पर्म का जो पार्ट होता है आगे का, एंड यहाँ पे देन हमारे पास जो सी ग्राफियन फॉलिकल है ये है एस्ट्रोजन, एंड डी लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन, एंड ई पार्चुरेशन है रिलैक्सिन, ओके, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे अगेन हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 77 के बाद हम लोग 78 देख लेते हैं, इन केस ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस स्टॉप फंक्शनिंग, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियास में है और अगर ये फंक्शन करना बंद कर दे तो विच हार्मोन विल बी इन शॉर्ट सप्लाई एंड वॉट विल बी इट्स इफेक्ट, तो बिल्कुल आपको पता ही है 78 का इजी क्वेश्चन है ये, इंसुलिन होगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल वो बढ़ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 79, हाइपोथायरॉयडिज्म इन अडल्ट एंड
पर पैराथायरॉइडिज्म विल रिस्पेक्टिवली लीड टू अडल्ट्स में हाइपोथायरॉइडिज्म और जो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म विल रिस्पेक्टिवली लीड टू, क्या क्या होगा इसके इफेक्ट से? तो यहाँ पे देखिए, मिक्सोडिमा होगा अगर हाइपोथायरॉइडिज्म होगा अडल्ट में, और अगर हाइपर पैराथायरॉइड, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका डिजीज़। ओके, तो 79 के लिए सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। इन अ प्रेग्नेंट वुमेन हैविंग प्रोलॉन्ग लेबर पेंस इफ चाइल्ड बर्थ हैज़ टू बी हैस्टेंड दैट इज टू 8 पार्चुरेशन इट इज एडवाइजेबल टू एडमिनिस्टर अ हार्मोन दैट कैन। ओके, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है और उसको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से लेबर पेन है और चाइल्ड बर्थ जो है अभी हैस्टन हो रही है, अभी नहीं हो रही है, तो पार्चुरेशन को इजी बनाने के लिए एट पार्चुरेशन इट इज़ एडवाइजेबल एडवाइस किया जाता है कि इसको कौन सा हार्मोन दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये हार्मोन जो होगा वो क्या कर सकता है, जो भी हार्मोन देंगे वो क्या करेगा, वो करेगा स्मूथ मसल सेल्स को बहुत एक्टिव कर देगा। ओके, तो जो कि इजी कर देगा। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास 81 है। 81 के लिए फिर से कॉलम 1 और कॉलम 2 की मैच करनी है और करेक्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना है। ए में है कैल्सिटोनिन, बी गोनेडोट्रोपिन, सी एरिथ्रोपोइटिन एंड डी इंटरफेरॉन एंड ई है इंटरल्यूकिन। और कॉलम 2 में है 1 ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन, 2 ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स एंड 3 इन्हांसमेंट ऑफ इम्यून एक्शन एंड 4 है फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स एंड 5 है ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। तो अब यहाँ पे जो 81 है इसके लिए जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो देख लेते हैं हम लोग सारे ऑप्शन को। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कैल्सिटोनिन है, ओके, ये हो जाएगा रिकेट्स के ट्रीटमेंट के लिए, एंड जो गोनाडोट्रोपिन है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा 5th ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, एंड सी एरिथ्रोपोइटिन होगा फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स के लिए, एंड डी इंटरफेरॉन ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन बिल्कुल करेक्ट है, एंड ई है इंटरल्यूकिन जो इन्हांसमेंट ऑफ इम्यून एक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं 82। 82 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स और ट्रू। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि ए कैल्सिटोनिन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, बी है कैल्सिटोनिन जो है वो यूट्राइन मसल के जो यूट्राइन मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको स्टिमुलेट करता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, एंड सी है हमारे पास जो ग्रेविस डिजीज़ है वो एड्रिनल ग्लैंड की मैलफंक्शन के कारण होती है, और डी ऑप्शन है हमारे पास जो ADH है एंटी डायुरेटिक हार्मोन ये वाटर के अब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है और यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा करेक्ट है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, और बी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 82 के लिए ये बी होगा, ए एंड बी ट्रू है और सी और डी जो है वो फॉल्स हैं। तो चलिए हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, नाउ 83 इज़ ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन आर। तो ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन आर, तो नाउ यहाँ पे अब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 83 का वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ सी सिक्रीटेड बाय डिफरेंट सेल्स एंड परफॉर्म एंटागोनिस्टिक फंक्शन, की ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन डिफरेंट सेल्स से सिक्रीट होते हैं और इन दोनों का जो फंक्शन होता है वो एंटागोनिस्टिक फंक्शन होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 84। गोरिल्ला लाइक मैन विद लार्ज हेड एंड हैंड्स एंड प्रोट्यूडिंग जॉज इज प्रोड्यूस ड्यू टू। एक ऐसा आदमी जो गोरिल्ला की तरह दिखता है, उसका हेड बहुत लार्ज है, हैंड्स भी बहुत लार्ज हैं और उसके जॉज बाहर निकले हुए हैं, ऐसा जो है आपका पोस्चर वो किस वजह से होता है, तो 84 का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन का जब ओवर सिक्रीशन हो जाता है तो इस हार्मोन के ओवर सिक्रीशन की वजह से, अधिकता की वजह से ये होता है। ओके, तो बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 85 हमारे पास ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कि दो फिगर्स आपके पास दिए हुए हैं और ए टू डी तक आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ए बी सी ये वेंट्रल साइड है एंड डी जो है वो डॉर्सल साइड पे है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये क्या है, तो ए बिल्कुल थायरॉयड है। ओके, और जो बी है यहाँ पे ये पोर्शन ये स्थमस है
एंड सी ट्राकिया है हमारी एंड डी है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ओके, तो यहाँ पे जो 85 है इसके लिए हमारे पास जो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए थायरॉयड ब्लीस्थमस, सी ट्राकिया, डी पैराथायरॉयड ग्लैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86। 86 अगेन हमारे पास फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। सी द गिवन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। तो अब यहाँ पे हमारे पास ए बी सी एंड डी है, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो बिल्कुल ये आप लोगों ने अपनी अपनी बुक्स में देखा होगा, ये डायग्राम हर बुक में बना है बायोलॉजी की। तो ये 86 के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो ए है, ए इज़ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, जो ए हैं वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं। बी इज़ पोर्टल सर्कुलेशन, और जो बी है वो पोर्टल सर्कुलेशन है। एंड सी इज़ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। एंड डी है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी, ओके, एडेनो हाइपोफाइसिस। तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 86 के लिए। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 87। 87 में भी हमें फिगर देखना है, विच सी द गिवन फिगर विच रिलेटेड विद प्रिंसिपल एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन, आइडेंटिफाई ए टू जी। अब यहाँ पे हमारे पास जो फिगर है उसमें ए से लेके जी तक आइडेंटिफाई करना है। ये फीमेल का पिक्चर है और यहाँ पे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं और ये मेल के हैं। तो अब यहाँ पे हमें 87 के लिए जो करेक्ट होगा लेबलिंग वो हमें बतानी है। तो नाउ देखिए यहाँ पे जो ए है वो क्या है, आपको पता है यहाँ ये जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। नाउ बी जो है छोटी सी स्मॉल साइज़ की पीनियल ग्लैंड है। एंड जो सी है इसकी लोकेशन देखिए, ये ग्लैंड है थायरॉयड ग्लैंड। एंड उसी के पास जो है वो डी जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, और थायरॉयड एंड पैराथायरॉयड। एंड डी जो है हमारे पास थाइमस ग्लैंड हो गई। एंड ई है हम ई इज ई तो किडनी है। एंड एफ है हमारे पास टेस्टिस। एंड जो जी है वो ओवरी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88। ओके, नाउ मैरी इज़ अबाउट टू फेस एन इंटरव्यू, मैरी एक इंटरव्यू फेस करने जा रही है। बट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मिनट्स बिफोर द इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू से 5 मिनट पहले शी एक्सपीरियंसेस स्वेटिंग, उसको पसीना आने लगता है। इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। रेस्पिरेशन वो ज़्यादा तेज़ सांस लेने लगती है। विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर रेस्टलेसनेस, तो उसकी इस रेस्टलेसनेस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन जो होता है वो एड्रेनालिन होता है, एंड तो और जो रिलैक्स करता है एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे 89 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन इज लिस्टेड बिलो आर द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी रीजन, एंटीरियर पिट्यूटरी रीजन के जो हार्मोन है उसको बताना है। टिक द रॉन्ग एंट्री, जो रॉन्ग है उसको आपको चूज करना है। नाउ 89 हमारे पास जो है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है। ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सारे ही एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं। नाउ 90 क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल दी फॉलोइंग टिश्यू इन मैमल एक्सेप्ट वन कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेडुलरी रीजन सराउंडेड बाई अ कॉर्टिकल रीजन, मार्क द रॉन्ग एंट्री। अब यहाँ पे जितने भी जो भी टिश्यूज हैं मैमल में, एक को छोड़ करके एक्सेप्ट वन कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेडुलरी रीजन, इसमें क्या है कि सेंटर में मेडुला है, मेडुलरी रीजन है, और ये कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टेक्स से सराउंडेड है। तो इसमें जो रॉन्ग एंट्री है वो बतानी है, कैसा कौन सा ऑप्शन है जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओवरी है वो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी एड्रिनल में भी, एड्रिनल ग्लैंड में भी हमारे पास मेडुला और कॉर्टेक्स होता है, किडनी में भी मेडुला एंड कॉर्टेक्स है एंड लीवर में भी। तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड, और आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन करते रहिए, एग्ज़ाम की डेट तो पता ही है आपको। एंड लेक्चर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड थैंक यू सो मच।